जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय 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 अहिंसा परमो धर्म की जय 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 परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्या सागर जी महाराज की जय 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 बोले परम पूज मिनी श्री प्रमाण सागर जी महाराज की नमस्ते गुरु। आज का दिन साधना का दिन, कल सब लोगों ने धनतेरस मनाया, आज चतुर्दशी। कई जगह लोग इस चतुर्दशी को नरक चौदस भी बोलते हैं, कहीं कहीं रूप चौदस भी बोला जाता है। धनतेरस का अर्थ तो समझ में आता है, नरक चौदस और रूप चौदस की बात समझ में नहीं आती। जिसे दीपावली के ठीक पहले जाना जाता है और इस चतुर्दशी के बाद दीपावली, जो सबके खुशहाली का प्रतीक माना जाता है और भगवान महावीर के निर्वाण उत्सव के रूप में हम लोग मनाते हैं। मैं सोच रहा हूँ कि ये नरक चौदस क्या है, इसे नरक चौदस या रूप चौदस क्यों कहा जाता है। मेरी समझ में त्रयोदशी के बाद चौदस आई, ये चौदस चौदहवें गुणस्थान का द्योतक है और चौदह गुणस्थान तक संसार है। संसार का अंत यहीं पर आकर के होता है, इसलिए इसे रूप चौदस के रूप में कहा जाता हो। ये संसार का आखिरी रूप है, भगवान रूप के साथ दिखे तो आज तक ही दिखे, इसके बाद भगवान रूपातीत होने वाले हैं। अभी तक हमें भगवान का साक्षात दर्शन लाभ मिल रहा है, आज भी भगवान योग निरोध की प्रक्रिया में है। अभी वे परमोदारिक शरीर के साथ रूपवान हैं, स्वरूप स्थिति में, इसलिए रूप चौदस की संगति तो बैठ जाती है। लेकिन नरक चौदस ये समझ में नहीं आता, पर उसकी भी संगति मुझे ऐसी दिखती है कि जो धनतेरस के दिन ज़्यादा धन बटोरने की चाह पाल लेते हैं उनके लिए चौदस नरक बन जाता है। समझ गए नहीं, बैठ गए कि नहीं बैठे? ज़्यादा धन की आसक्ति तो नरक ले जाएगी। बहुआरम्भ परिग्रहतम नारकस्यायुषः है, हमारे शास्त्रों में न तो नरक चौदस की बात है न ही रूप चौदस की बात, लेकिन लोक में पता नहीं ये कैसे चले आई। तो बैठे बैठे अभी मेरे मन में ख्याल आया, इनकी भी कुछ संगति बिठा लेनी चाहिए, और मुझे दिखता है आप लोगों को ये संगति समझ में आ रही होगी, आए कि नहीं। तो चलो, हमें नरक भी नहीं जाना है और रूप चौदस के मर्म को समझो। भगवान के रूप को देखकर यदि हमने स्वरूप को पहचान लिया तो हमारी मुक्ति सुनिश्चित है। जो रूप से स्वरूप की ओर बढ़ते हैं वे ही मुक्ति के अधिकारी बनते हैं। हमने सुना है कि जब भगवान महावीर ऋषभ देव का निर्वाण हुआ, जैसी ये समाचार भरत चक्रवर्ती के पास पहुंचा, वो फूट फूट के रोने लगा। 14 दिन तक कैलाश पर्वत में माघ की ठंड में
भगवान शब्द कायोत्सर्ग में निमग्न रहे और अचानक जब उन्हें निर्वाण हुआ, निश्चित भरत चक्रवर्ती वहां उपस्थित नहीं रहे होंगे। जैसे ही भरत चक्रवर्ती को ये समाचार मिला कि भगवान को निर्वाण हो गया, भगवान को मोक्ष मिल गया, भरत चक्रवर्ती फूट फूट के रोने लगे। इंद्र ने चक्रवर्ती से पूछा, क्यों चक्री, तुम्हें भगवान का निर्वाण जाना अच्छा नहीं लगा क्या? क्यों चक्री, तुम्हें भगवान का निर्वाण जाना अच्छा नहीं लगा क्या? भरत चक्रवर्ती ने कहा, भो इंद्र, भो देवेंद्र, मैं इसलिए नहीं रो रहा हूं कि भगवान को निर्वाण क्यों हो गया। मुझे रोना तो केवल इसलिए आ रहा है कि अब हम किसके दर्शन करेंगे, किनका उपदेश सुनेंगे। अभी तो हम उनके दर्शन से और उनके उपदेश के श्रवण से अपने आप को कृतार्थ कर लिया करते थे, अब उनका स्थान कौन लेगा? आज रूप 14 है, अब आज तक भगवान के दर्शन हैं, निर्वाण के उपरांत भगवान के दर्शन सुलभ नहीं होंगे। शायद इसीलिए आज की तिथि को रूप 14 के रूप में प्रसिद्ध कर दिया गया हो कि रूप 14 है। अभी रूप अवस्था में, स्वरूपी रूप में, रूपी रूप स्वरूप में भगवान सामने विराजमान है। हम इनका दर्शन करें, वंदन करें और जीवन को आनंद से भरें। बाहर में भगवान के मूर्त स्वरूप का आलम्बन लेते। एक बार एक सवाल किया गया कि महाराज, भगवान अरूप है और भगवान को निर्वाण की उपलब्धि हो गई, तो फिर भगवान की मूर्ति क्यों विराजी जाती? आप लोगों के मन में भी सवाल आया होगा, आया कभी नहीं आया? अगर आपसे कोई पूछ बैठे कि भगवान तो साक्षात है नहीं, आप भगवान की मूर्ति को क्यों पूजते हैं? आप लोगों की मूर्ति पूजा में प्रगाढ़ आस्था है, विश्वास है, इसमें किसी को संशय नहीं। मैं थोड़ा सा आप लोगों से पूछ लूं, अगर ये सवाल आपसे पूछूं कि आप मूर्ति पूजा क्यों करते हैं, तो क्या जवाब होगा? कोई जवाब देगा? हाथ उठा दे। मैं पूछ सकता हूं कि नहीं पूछ सकता, ये पूछ रहा। मैं तो उत्तर रोज देता हूं, मेरा भी तो उत्तर दे सकते हो। हाँ बोलो, मूर्ति पूजते हो, प्रतिदिन पूजते हो, मूर्ति पूजा क्यों करते हो? एकाध सभा में उठाओ ना हाथ, यहाँ तो इंदौर में ज्ञानियों की सभा, जो भी उठाओ, घबराना नहीं। अगर उत्तर अधूरा भी होगा तो पूरा करने में बैठा हूँ। हाथ उठाओ, जो हाथ उठाएंगे, देखो उठ गए, खड़े हो गए, उनके पास जाओ, पीछे जाओ, माइक ले जाओ तो थोड़ा। हाँ, जो पहले खड़ा होगा उसको पहले मौका, ले जाओ जल्दी से माइक। मुझे पता है आप लोगों में बहुतों को इसका अर्थ पता होगा, लेकिन हाथ सबने नहीं उठाया, हाथ पांच सात ही उठे, पर इस डर से कि सामने कैमरा है, कुछ उपचुप हो जाए तो महाराज लपेट न ले, ये डर होता है ना। इस डर के कारण जानने के बाद भी व्यक्ति अनजान सा बन जाता है। हाँ बोलिए आप। गुरुदेव नमोस्तु। भगवान की पूजा इसलिए करते हैं कि हे प्रभु, हमने सवाल क्या किया, मूर्ति की पूजा क्यों? मूर्ति की पूजा इसलिए करते हैं, वो प्रतीक है हमारे और उनके गुणों के
हम में भी आ जाएं, इसलिए हम पूजा करते। मूर्ति को प्रतीक बनाने का क्या उचित, क्योंकि वो तो पत्थर है, भगवान तो हमें दिखते नहीं है, तो पत्थर को पूज के क्या करोगे? नहीं, भगवान की उसमें स्थापना करके और पूजते हो। चलिए, ये उत्तर है पर बहुत अच्छा उत्तर नहीं है। और कौन देगा? चलो आगे दे आओ, चलो एक बार पीछे कर लो फिर। आ जाओ। कभी कभी ऐसा भी होना चाहिए। नमोस्तु गुरु जी। हाँ। भगवान की तरह नासा दृष्टि पाने के लिए, उनकी तरह शांत चित्त बैठने के नहीं लिए। चलो, उनके स्वरूप को पाने के लिए। चलो ठीक है, पीछे जा। नमोस्तु महाराज जी, जिस प्रकार दर्पण में प्रतिबिंब देखकर अपनी कमी गलत जो दाग वगैरह रहते हैं वो प्रतिभासित होते हैं, उसी प्रकार भगवान की मूर्ति देखकर उनमें जो गुण हैं वो अपने में समाहित करने। उत्तर अपेक्षा के ठीक है लेकिन संतोषजनक नहीं है। पीछे देखें, आखिरी, फिर मैं बताऊं। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, मूर्ति को देख के हमें एक ध्येय मिल जाता है सामने कॉन्सेंट्रेशन के लिए, जिसमें बहुत बहुत एक बार तालियां बजा दीजिए सभी के लिए कि कम से कम साहस के साथ खड़े तो हुए, लेकिन किसी के उत्तर से मन में संतोष नहीं आया। आपको इसका उत्तर कहीं ऊपर से बोलेंगे क्या? अमरीश जी आप बताओ, पहले तो मैं चाहूँगा एक बार अमरीश जी का जोरदार अभिनंदन करें। ये योगेंद्र जी सेठी के भ्राता हैं और कैलिफोर्निया में आए हैं और वहाँ अपने औदार से एक भव्य जिनाले के निर्माण के लिए संकल्पित हैं। इनके उदार भाव का जोरदार अभिनंदन। हाँ, नमोस्तु 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 महाराज जी। प्रतिमा का विराजमान तभी किया जाता है जब उसके अंदर हम उनके गुणों की प्रतिष्ठा कर देते हैं, तब जाकर के वह प्रतिमा प्रतिष्ठित होने के कारण पूजित होती है। और प्रतिष्ठा जो करते हैं हम, उसमें उनके गुणों को विराजमान करते हैं और उन्हीं गुणों की हम पूजा करते हैं। बहुत अच्छा उत्तर आपने दिया, लेकिन जैसा मैं चाहता था वैसा उत्तर नहीं आया। अब मैं दे देता हूँ, बैठ जा। देखिए, इसका एक लाइन में उत्तर केवल ये होना चाहिए, जैसे किसी प्रिय व्यक्ति की साक्षात उपस्थिति न होने पर उसकी तस्वीर से हमारा मन उससे जुड़ जाता है। किसी प्रिय व्यक्ति के साक्षात उपलब्ध न होने पर उसकी फोटो देखने पर भी हमारा मन उससे जुड़ जाता है और हम उससे अनुरक्त हो जाते हैं। ऐसे ही भगवान की साक्षात उपलब्धता न होने पर उनकी प्रतिकृति देखकर हमारा मन आनंदित हो जाता है। तो जैसे प्रतिच्छवि की हम पर, फोटो की हम पर, फोटो का हम पर प्रभाव पड़ता है, वैसे ही मूर्ति भी हमें उतनी ही प्रभावित करती है। समझ गए? तो ये बात सही है कि भगवान अमूर्त हैं। बात समझ में आ गई ना? उत्तर क्या होना चाहिए? हम लोग के साथ एक बड़ी कमी है कि हम जो क्रियाएं रूटीन में करते हैं उनका भी वास्तविक जो हेतु है वो कम आता है। एक बार एक परिवार आया, उनके साथ बच्चा था, तो बोला महाराज जी इसको बोलो कि ये मंदिर रोज जाए। तो जैसे ही मैं उसकी तरफ मुखातिब हुआ, उसने कहा महाराज भगवान तो हमारे दिल में है, मंदिर जाने की क्या जरूरत? भगवान तो हमारे दिल में है, मंदिर जाने की क्या जरूरत? तो मैंने कहा तेरे दिल में तो तेरी गर्लफ्रेंड भी होगी, फिर उससे मिलने जाने की क्या जरूरत? अलग से तेरे दिल में तेरी गर्लफ्रेंड भी होगी तो तू उससे अलग से मिलने जाता है कि नहीं जाता?
बोले महाराज जी गर्लफ्रेंड लाइव है, भगवान लाइव कहाँ है? देखो तर गर्लफ्रेंड लाइव है, उससे मिलने का जी करता है, भगवान लाइव कहाँ? मैंने कहा ठीक कहता है, तेरी गर्लफ्रेंड लाइव है, पर 24 घंटा तेरी गर्लफ्रेंड लाइव नहीं होगी। तेरे पर्स में तेरी गर्लफ्रेंड की फ़ोटो है कि नहीं? बोले है। तेरी मोबाइल में तेरी गर्लफ्रेंड की फ़ोटो है कि नहीं? बोले है। बोले क्यों रखा? बोले उसको देखकर उसकी याद ताज़ा हो जाती है। हमने कहा भगवान की मूर्ति देखकर भगवान की याद ताज़ा हो जाती है, भगवान को देख। तो भगवान अमूर्त है, लेकिन उस अमूर्त को पहचानने के लिए भी हमें किसी मूर्त आलंबन की आवश्यकता होती। हम भगवान की मूर्ति जब सामने रखते हैं तो मूर्ति को नहीं पूछते, मूर्ति के माध्यम से मूर्ति मान को पूछते हैं। तो रूप 14 का मूल भाव यही है कि हम रूप से स्वरूप की ओर बढ़े। आज ये हम सबका बड़ा सौभाग्य है कि भगवान के निर्वाणोपरांत भी भगवान का शासन हम सबको सुलभ हो रहा है। और ये भगवान का शासन किसके बदौलत आया? ये मार्ग हम आप तक कैसे आया? यदि भगवान का मंदिर नहीं होता, भगवान की मूर्ति नहीं होती, हमारे पास दर्शन पूजन का कोई विधान नहीं होता, और हमारे लिए मोक्ष मार्ग को बताने वाले ये शास्त्र नहीं होते, तो हमारे पास क्या भगवान का धर्म होता? बोलो, नहीं ना? तो भगवान के द्वारा प्रतिपादित मार्ग हमें मिला किसके कारण? हमारे आचार्यों ने भगवान की वाणी के आधार पर ही ये जो व्यवस्था दी, उसके कारण ये सारा का सारा मार्ग मिला जो आज भी अक्षुण्ण बना हुआ है। हमें इस मार्ग का अनुकरण करने की जरूरत है। जो इस मार्ग का अनुकरण करेगा वही मुक्ति का अधिकारी होगा। आज जब सुबह से निकल रहा था, महाराज का रोज का एक कोटेशन निकलता है और रोज की एक माला, तो लिख रहे थे हमें मोक्ष नहीं मोक्ष मार्ग देखो। बात यही है कि हम मोक्ष के मार्ग पर चलेंगे तभी मोक्ष तक पहुंचेंगे। भगवान महावीर मोक्षाभिमुख है। रात्रि के अंतिम बेला में, अंतिम पहर में और कल की प्रत्युष बेला में भगवान को निर्वाणोपलब्धि होगी। हम लोग आप लोगों के अर्थ में भगवान तो 2500 साल पहले चले गए, वो निर्वाणोपलब्धि होगी। 2500 वर्ष उन्हें हो गए, वो वहां तक पहुंचे कैसे? मोक्ष मार्ग पर चलकर। हम भी मोक्ष मार्ग का आलंबन लेंगे तभी वहां तक पहुंच सकेंगे। आज मोक्ष की बात मत करो, मोक्ष मार्ग को पकड़ो। एक बार मुझसे किसी युवक ने पूछा, महाराज वर्तमान में मोक्ष है? मैंने कहा है भी और फिर पूछा, महाराज वर्तमान में मोक्ष है? मैंने कहा है भी और नहीं भी है। है कैसे महाराज, हमने तो सुना 15 साल में मोक्ष नहीं होता। हमने कहा तुमने जो कहा वो सही सुना। तो महाराज मैंने जो कहा सही, तो फिर मोक्ष है कैसे? हमने कहा मेरी बात सुनोगे तो तुम भी कहोगे मोक्ष है। तो क्या है? मैंने कहा मोक्ष दो प्रकार का, एक संसार से मोक्ष और एक दुखों से मोक्ष। दुखों से, दुर्बलताओं से, दोषों से,
और दुर्गुणों से मुक्ति चाहो तो आज भी। तुम्हारा दुख जितना कम हो, दोष जितना दूर हो, दुर्बलताएं जितनी कम हो और दुर्गुण जितने समाप्त हो, समझ लेना तुम उतने ही मुक्त होते जा रहे हो। और जिस दिन ये पूरी तरह समाप्त हो जाएगा उस दिन पूर्ण मुक्ति हो जाएगी। सर्वथा इनका अंत करना आज हमारे अंदर उतनी पात्रता ना होने के कारण भले संभव ना हो, लेकिन हम इनका अंत कर सकते हैं। वो मार्ग आज हमारे पास है। तो मोक्ष भले ना हो हमें कोई चिंता नहीं। कहेगा महाराज जी फिर वो मोक्ष नहीं है तो आप क्यों लगे? हमने कहा भैया मोक्ष के लिए हम लगे नहीं। जिस मोक्ष की तुम बात कर रहे हो हम उस मोक्ष के लिए नहीं लगे। किस लिए लगे? हम मोक्ष मार्ग के लिए लगे। किसके लिए लगे? मोक्ष मार्ग। मोक्ष नहीं है, मोक्ष का मार्ग ही है, हमारा सौभाग्य है। और 18,000 साल बाद आएंगे तो उनको मोक्ष का मार्ग भी नहीं मिलेगा। आज पंचम काल है तो क्या हुआ? धर्म का शासन सुलभ है और यहाँ मोक्ष मार्ग है। तो मोक्ष मार्ग आज सुलभ है तो हमें उस पर लग जाना चाहिए। इस अर्थ में हम कितने भाग्यशाली हैं कि हमें मोक्ष मार्ग मिल रहा है और मोक्ष मार्ग पर चलने वाले निर्ग्रंथ गुरुओं का सानिध्य मिल रहा है और मोक्ष मार्ग पर चलने की उनसे नियमित प्रेरणा भी मिल रही है। मिल रही कि नहीं मिल रही? हो अर्थ इस अर्थ में भाग्यशाली। पर यह सब कुछ मिलने के बाद भी कोई हिले नहीं तो उसका क्या होगा? चलो आगे बढ़ो। कल्याण तो तभी होगा, केवल बातें करने से उद्धार नहीं होता। उद्धार तो केवल उसका होता है जो रास्ता पर चलना शुरू करते है ना। हम लोग बातें बहुत करते हैं, चले कितना? चातुर्मास का कभी लगता है? इस चातुर्मास में आप लोगों ने बहुत सारी बातें सुनी। देखना यह कि पाया क्या? जहां थे वहां से कितने आगे बढ़े? या जहां के तहां है? ये विचार करना चाहिए। एक संत ने एक बड़ा अच्छा प्रसंग लिखा। वो बिहार कर रहे थे, रास्ता भटक गए। कई बार होता है कच्चे रास्ते पे चलो, आजकल तो फिर भी सड़कों का जाल अच्छा बन गया। आज से 25 साल पहले तक ये व्यवस्थाएं नहीं थी, कच्चे रास्तों में जाते थे, पगडंडियों में जाना होता था और लोग बताते कम थे और चलना ज़्यादा हो जाता था। कई बार हम लोगों के साथ हुआ, वो 18 किलोमीटर बोलते, 18 माइल निकल जाता है तो 18 का सीधे 27-28 हो जाता। वो बेचारे बिहार किए, सुबह से चले, थक गए और दिन अस्त होने को था। एकदम बियावान जंगली इलाके से चले। रास्ते में उन्हें एक राहगीर मिला, ग्रामीण व्यक्ति था, आदिवासी था। उससे उन्होंने निवेदन किया, मुझे अमुक गांव जाना है। कितनी दूर है? उसने कहा जिस रास्ते से आप जा रहे हैं उससे अब इतनी दूर और बचा है। थक तो चुके थे, अधीरता भी बढ़ गई थी। या बताओ, सवेरे से चल रहा हूँ, काफ़ी चल चुका हूँ, सब लोग बताते कम है, निकलता ज़्यादा है, तुम जितना बता रहे हो उतनी दूरी है ना? बोले हाँ उतनी दूरी है। बोले कितनी दूर है? बोला मैं पढ़ा लिखा नहीं, मैं ये नहीं बता सकता कितनी दूर है, पर इतना बता सकता हूँ कि आप एक घंटे में पहुँच जाओगे।
एक घंटे में पहुंच जाऊंगा ना। हाँ हाँ आप पहुंच जाओगे, बिल्कुल बेफिक्र रहिए, आप एक घंटे में पहुंच जाओगे। दोनों साथ साथ चल रहे। थोड़ी देर बाद फिर पूछा, देखो भाई मैं रात में नहीं चलता, देर तो नहीं होगी? नहीं नहीं साहब, आप एक घंटे में पहुंच जाओगे, क्योंकि रास्ता तो साफ सुथरा, और कोई कहीं भटकना टकना तो नहीं। मतलब एक सीधा रास्ता जाता और कोई दूसरा रास्ता नहीं। फिर थोड़ी देर बाद, देखो भैया कहीं धोखा तो नहीं होगा, आज सवेरे से बहुत लोगों ने कई बार रास्ता बताया लेकिन सब गलत निकल गया, तुम गलत रास्ता तो नहीं बता दे? मैं पहुंच तो जाऊंगा ना, पहुंच जाऊंगा ना। अब की बार उस व्यक्ति ने जो वाक्य कहा, उस संत ने अपनी इस घटना का जिक्र करते हुए कहा कि एक अनपढ़ व्यक्ति ने मुझे बहुत बड़ा बोध दे दिया, जैसे ही पूछा मैं पहुंच तो जाऊंगा ना, तो उसने हाथ जोड़कर कहा, महाराज रास्ता चलने से कटता है, बातों से नहीं। रास्ता चलने से कटता है, बातों से नहीं। हम लोग रास्ता काटना चाहते हैं पर बातों से, बातों से कुछ नहीं होगा। हमें चलने का अभ्यास करना चाहिए और ये प्रयास करना चाहिए कि मेरे जीवन का उत्कर्ष हो। आज हमारी परंपरा के अनुसार वर्ष का आखिरी दिन है, आज हम लोग सांवत्सरिक प्रतिक्रमण करेंगे, चातुर्मास के निष्ठापन के पूर्व ये सब प्रक्रिया होती, पूरे संघ का उपवास भी रहता है। प्रतिक्रमण करने का मतलब है अपने अंदर बुहारी लगाना, अपने चित्त को साफ करना, अंदर का कूड़ा करकट निकाल करके फेंक देना, उसकी शुद्धि करना। कृत दोष निरायरणम प्रतिक्रमणम परिक्रमणम, किए गए दोषों का निराकरण करना प्रतिक्रमण कहलाता है। हम लोग वह सब प्रतिक्रमण करेंगे, मन को साफ करेंगे और कल से एक नए दिन की शुरुआत होगी, जो हमारे यहाँ वीर निर्वाण संवत का पहला दिन होगा। वर्षारंभ है एक परंपरा से दीपावली के अनुसार, और हमारे देश में पहले यही होता था, दिवाली के दिन से लोग वही खाता शुरू करते थे। अब तो सब कैलेंडर ग्लोबल हो गया तो 1 अप्रैल ने स्थान ले लिया, लेकिन हमारी परंपरा क्या थी, दीपावली के दिन से नई शुरुआत। आप लोग भी एक विचार कीजिए, जीवन की नई शुरुआत की। टारगेट हर साल आप लोग बनाते हो पर आपका सारा हिसाब किताब भौतिक बना होता है। मैं आपसे कहता हूँ, भौतिक की जगह पारमार्थिक हिसाब से चलना शुरू करें, आध्यात्मिक दिशा में आगे बढ़ने की कोशिश करें। हम कुछ अच्छा करें, वर्ष के साथ उत्कर्ष जुड़े, तो हमारी ये दीपावली सार्थक होगी। कुछ नया हो तो बहुत अच्छा होगा, कुछ लिख के सो, कुछ पढ़ के सो, कुछ लिख के सो, कुछ पढ़ के सो, जिस जगह जागा सवेरे उस जगह से बढ़ के सो, एक सीढ़ी चढ़ के सो। कुछ लिख के सो, कुछ पढ़ के सो, जिस जगह जागा सवेरे उस जगह से बढ़ के सो, एक सीढ़ी चढ़ के सो। आगे बढ़ना है, ऊपर उठना है। आज आप लोग ग्रोथ की बातें बहुत करते हैं, सब तरफ ग्रोथ ग्रोथ ग्रोथ। क्या है ग्रोथ? केवल फाइनेंशियल ग्रोथ को लोग ग्रोथ मानने की भूल करने लगे। ये तो बहुत सतही चीज है। सच्चे अर्थों में
जीवन के मूल तत्वों का विकास ही जीवन की वास्तविक उन्नति है। हम उस पर ध्यान दें, उस पर फोकस करें, तब हम सच्चे अर्थों में कुछ कर पाएंगे। तो भगवान ने हमें जो मोक्ष का मार्ग बताया, हम उस मोक्ष मार्ग का अनुसरण करना शुरू करें, अपनी भूमिका के अनुसार करें, जितना बन सके उतना करें, तो यही मोक्ष मार्ग हमें मुक्ति की मंजिल तक पहुंचाएगा और हम अपने जीवन को आगे बढ़ा पाएंगे। बंधुओं, कल दीपावली का दिन, आज भी लोग दीपावली मना रहे हैं। मुझसे कहा, महाराज जी सब त्यौहार दो दिन क्यों हो जाते हैं? हमने कहा, हमारा तो पूरा जीवन त्यौहार बन जाए, हम तो ये भाव रखते हैं। दो दिन क्या, हर रोज़ दिवाली हो, घर घर खुशहाली हो, आप लोग बोलते ही हैं, तो रोज़ दिवाली हो जाए, ये कैलकुलेशन के हिसाब से होता है। हम जैन धर्म के अनुसार तो दीपावली कल है, क्योंकि हमारे यहाँ उदय कालिक छः घटी की तिथि को पूर्ण तिथि माना जाता है, और कल सूर्योदय के समय से लेकर शाम को 5:30 बजे उसके आसपास तक अमावस्या है। तो दीपावली कल ही है, और भगवान को निर्वाणोपलब्धि जो हुई थी वो स्वाति नक्षत्र में चतुर्दशी के अंत में प्रत्यूष की बेला में हुई, रात्रि में जो पश्चिम रात्रि में हुई, प्रत्यूष बेला में हुई, तो वो कल का ही दिन बनता है। इसलिए जैन धर्म के अनुसार निर्वाण लाडू भी कल चढ़ेगा, और उसी दिन गौतम स्वामी को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो वह केवल ज्ञान की प्राप्ति कल हुई, तो उसी के लिए कल उनके निर्वाण के बाद आप लोग दीप उत्सव करते हैं केवल ज्ञान के प्रतीक स्वरूप, वो देखना चाहिए। ऐसी कई तरह की बातें हैं, तो उन सब चीज़ों को अपने जीवन में आगे बढ़ा करके कल आप लोग दीपावली मनाएंगे, अपने पूजा पाठ आदि भी कल करेंगे। कल यहाँ चातुर्मास का निष्ठापन का कार्यक्रम, भगवान महावीर के निर्वाण महामहोत्सव का कार्यक्रम आप सब अपने अपने मंदिरों में तो करेंगे ही, और वहाँ से आकर यहाँ सामूहिक रूप से उत्साह के साथ, जैसा उत्साह चातुर्मास की स्थापना में हुआ, वैसा ही उत्साह चातुर्मास के निष्ठापन और भगवान महावीर के निर्वाण में दिखना चाहिए। ये प्रयास आपको करना है। इंदौर वालों का पुण्य प्रगाढ़ से प्रगाढ़तर होता जा रहा है। सिद्ध चक्र महामंडल विधान का आयोजन तो हो ही रहा है, और उसके लिए देश विदेश से लोग यहाँ उपस्थित होना शुरू कर गए हैं, पर उसके साथ एक कड़ी और जुड़ गई। इसी मंडप पर गोकुल नगर के मंदिर में भगवान विराजमान करने के निमित्त पार्श्वनाथ भगवान की कितनी मनोहारी मनोज्ञ जिनबिंब यहाँ आया हुआ, उसकी प्रतिष्ठा आगामी 18 से 23 नवंबर के मध्य होना है। बहुत सारे लोग उसके माता पिता सौधर्म इंद्र आदि बनने की इच्छा रखते हैं। देश भर के कहीं के भी सदस्य जिनकी इच्छा, बहुतों ने मुझसे निवेदन किया, महाराज आपके सानिध्य में मुझे बनना है। मैं कहता हूँ ये मौका है, जिनको भी इस मौके का लाभ उठाना है अपना एप्लीकेशन लगा सकते हैं और ये लाभ उठा सकते हैं। जीवन की एक अपूर्व उपलब्धि है। जल्दी से जल्दी भैया जी से संपर्क कर ले, संभवतः 3 तारीख या 10 तारीख जो सुविधा होगी उस डेट तक उन सभी पात्रों का नाम इस मंच से उद्घोषित हो जाएगा, सभी लोग उसका लाभ लें। सिद्ध चक्र महामंडल विधान की सानंद संपन्नता के लिए मैंने आप सबसे कहा था कि आप सभी ओम ह्रीम अशिया उषा नमः की जाप करें। आज हम भी उसी भाव से 9 बार जाप करते हैं, आप सब दोहराएंगे और यहीं विराम लेंगे। ओम ह्रीम अशिया उषा नमः, 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 ॐ ह्रीं अशिया उषा नमः, ॐ ह्रीं अशिया उषा नमः, ॐ ह्रीं अशिया उषा नमः,
ओम ह्रीं अस्या उषा नमः 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 जय बोलो परम पूज्य आचार्य गुरु वासुदेव विद्यासागर महाराज बोले परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की मंगल भावना की चार पंक्ति महाराज जी मंगलमय हो प्रात हमारा रात सुमंगल हो मंगलमय हो प्रात हमारा रात सुमंगल हो जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो हर घर में मंगल छा जावे जन जन मंगल हो घर घर में मंगल छा जाए जन जन मंगल हो धरती का कण कण पावन ओ मंगलमय हो इस धरती का कण कण पावन ओ मंगलमय हो मंगल मंगल होय जगत में सब मंगलमय हो मंगल मंगल होय जगत में सब मंगलमय हो इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो सब जग में मंगल बढ़े सब जग में मंगल बढ़े टले अमंगल भाव है प्रमाण की भावना है प्रमाण की भावना सब में हो सद्भाव